हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। हम यहाँ पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। आज हम इसका पार्ट सिक्स पढ़ेंगे, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। सीएफटी मीन्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्चुअल में क्या है? ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि लिगेंड और मेटल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसके द्वारा उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। लिगेंड जो है वो एक पॉइंट चार्ज के रूप में या एक डायपोल के रूप में काम करता है। अगर लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज है तो आयन आयन इंटरेक्शन होगा, और अगर लिगेंड न्यूट्रल है तो आयन डायपोल इंटरेक्शन होगा। जब लिगेंड मेटल की ओर आता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। यहाँ देखिए डायग्राम में, ये मेटल आयन है और इसके चारों ओर लिगेंड ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया है। इफ अ स्पेरिकली सिमेट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड अराउंड द मेटल, दीज ऑर्बिटल रिमेन डीजनरेट, बट ऑल ऑफ देम आर अराइज इन एनर्जी। जब इस मेटल आयन के चारों ओर एक स्पेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है तो जो मेटल आयन है इनके डी ऑर्बिटल वो डीजनरेट तो होते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे देखिए, जो ये डी ऑर्बिटल हैं, 1, 2, 3, 4, 5, पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। इट मीन्स ये डीजनरेट हैं, लेकिन जैसे ही लिगेंड मेटल एटम के पास में आता है तो इन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी एकदम से थोड़ी बढ़ जाती है। ये देखिए, यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब क्या होता है कि जो लिगेंड हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उनके बीच में, और मेटल आयन के डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनके बीच में, मीन्स लिगेंड और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होता है, और इस रिपल्शन के कारण क्या होता है, डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं। यही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो होती है वो डिस्क्राइब करती है लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन के बीच में अट्रैक्शन को। सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के बीच में रिपल्शन होता है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब मेटल आयन के करीब कोई लिगेंड आता है तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण के कारण मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल हैं उनकी स्प्लिटिंग होती है। तो मेटल आयन के वो डी ऑर्बिटल जो लिगेंड के ज़्यादा नज़दीक होते हैं वो ज़्यादा प्रतिकर्षण महसूस करते हैं और उनकी एनर्जी हाई हो जाती है, और जो लिगेंड के ज़्यादा नज़दीक नहीं होते हैं, मीन्स लिगेंड से थोड़ा दूर होते हैं, तो उनमें प्रतिकर्षण कम अनुभव होता है और उनकी एनर्जी लो होती है, और इस तरह से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल वाले और डी ऑर्बिटल और लो एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल में हो जाती है। और ये जो स्प्लिटिंग होती है वो निम्न कारणों से अफेक्ट होती है। द नेचर ऑफ द मेटल आयन, मेटल आयन की प्रकृति, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, और अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड मीन्स जो मेटल आयन है उसके चारों तरफ लिगेंड का अरेंजमेंट कैसा है, और द नेचर ऑफ लिगेंड सराउंडिंग द मेटल आयन, मेटल आयन के चारों तरफ जो लिगेंड है उनका नेचर कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी है, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब हम डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग देखेंगे। सबसे पहले हम डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखते हैं, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, डी ऑर्बिटल के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि इसमें पांच ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये जो तीन ऑर्बिटल होते हैं एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड, ये एक्सिस के बीच में होते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस के बीच में होते हैं, मतलब इनकी लॉब जो होती है वो बीच में होती है एक्सिस के। और ये जो दोनों ऑर्बिटल होते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये एक्सिस पर होते हैं। तो ये बात क्लियर है। इसी से हम देखेंगे कि किस तरह से लिगेंड जब आता है तो ये इन ऑर्बिटल को रिपल करता है। तो जो डी एक्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड ऑर्बिटल है
वो एक्सिस के बीच में होते हैं, बिटवीन द एक्सिस, इसलिए ये रिपल्शन कम महसूस करते हैं किससे, लिगेंड के साथ में, क्योंकि लिगेंड जो है वो एक्सिस से मेटल की ओर आते हैं, तो इसीलिए एक्सिस के ऊपर जो ऑर्बिटल्स होंगे वो ज़्यादा रिपल्शन महसूस करेंगे। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो है वो हायर रिपल्शन फील करते हैं, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली एक्सिस पे होते हैं और जो लिगेंड है वो भी डायरेक्टली एक्सिस से आते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं तो ज़्यादा रिपल्शन को महसूस करते हैं। अब क्योंकि ये जो तीन ऑर्बिटल हैं एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड, ये लोअर रिपल्शन फील करते हैं तो इनकी एनर्जी जो है वो लो हो जाती है एज कम्पेयर टू एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी की तुलना में थोड़ी कम होती है। और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल क्योंकि एक्सिस पे होते हैं तो लिगेंड के साथ में ये ज़्यादा प्रतिकर्षित होते हैं, तो इनकी एनर्जी थोड़ी सी हाई हो जाती है एज कम्पेयर टू एवरेज एनर्जी। यहाँ देखिए डायग्राम में ये फाइव ऑर्बिटल हैं जो कि डी जनरेट हैं, अभी इनकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जैसे ही जब लिगेंड इनके पास में आता है तो इनका प्रतिकर्षण कम या ज़्यादा होता है, जो एक्सिस पे होंगे वो ज़्यादा रिपल होंगे और जो एक्सिस के बीच में होंगे कम रिपल होंगे, तो ये जो एक्सिस के बीच में होते हैं वो कम रिपल होते हैं और ये लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं, और जो एक्सिस पे होते हैं वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, और ये जो एक्सिस पे होते हैं उन्हें हम ईजी सेट कहते हैं। ये दो होते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और जो डी एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड होते हैं उन्हें हम टी टू जी सेट कहते हैं। इस प्रकार से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग दो सेट में हो जाती है, टी टू जी और ई जी, और इन दोनों के बीच में, टी टू जी और ई जी के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसे हम डेल्टा ओ से डिनोट करते हैं। ओ का मतलब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है और ये इक्वल होता है 10 dQ के। स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कंपाउंड, जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड में जो स्प्लिटिंग होती है वो बिल्कुल अपोजिट होती है किसके, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के। चलिए इसको देखते हैं कैसे। टेट्राहेड्रल कंपाउंड में चार लिगेंड होते हैं और जबकि ऑक्टाहेड्रल में छह लिगेंड थे, तो जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें ये एक्सिस है वाई जेड और एक्स एक्सिस, जो लिगेंड होते हैं वो एक्सिस की ओर से मेटल आयन की ओर आते हैं। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो डी एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाई रिपल्शन फील करते हैं क्योंकि ये एक्सिस के बीच में होते हैं तो ये लिगेंड के थोड़ा नज़दीक होते हैं। यहाँ पे देखिए ये लिगेंड है और यहाँ पे ऑर्बिटल होगा तो वो ज़्यादा रिपल्शन फील करेगा, ये एक्सिस के बीच में, ये दोनों एक्सिस है तो इसके बीच में यहाँ पे अगर कोई ऑर्बिटल होगा तो वो लिगेंड के ज़्यादा नज़दीक होगा तो ज़्यादा रिपल्शन फील करेगा, तो इसलिए इनकी एनर्जी जो है वो क्या होती है, हाई हो जाती है एवरेज एनर्जी की तुलना में। और जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होते हैं वो लो रिपल्शन फील करते हैं और इनकी एनर्जी लो हो जाती है किसकी तुलना में, एवरेज एनर्जी की तुलना में। तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उनमें स्प्लिटिंग कुछ इस तरह की होती है, इनमें जो डी ऑर्बिटल होते हैं उसमें टी टू जी ऑर्बिटल जो होते हैं वो हायर एनर्जी पे होते हैं। देखिए हायर एनर्जी पे ये टी टू जी ऑर्बिटल, और ई जी ऑर्बिटल जो होते हैं वो लोअर एनर्जी पे होते हैं। तो यहाँ पर भी दो सेट होते हैं, टी टू जी और ई जी, परंतु ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तुलना में बिल्कुल विपरीत होते हैं। अब इनमें जो टी टू जी और ई जी होते हैं इनके बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस होता है इसे एनर्जी का डिफरेंस इसे डेल्टा टी या टी टी मतलब टेट्राहेड्रल लिख देते हैं, और इस एनर्जी का डिफरेंस जो होता है वो 10 dQ के बराबर ही होता है। क्रिस्टल फील्ड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, हम यहाँ पे डायग्राम से देख सकते हैं कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है जबकि ऑक्टाहेड्रल की ज़्यादा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई भी डी ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्टली लिगेंड के सामने नहीं होता है,
जबकि ऑक्टाहेड्रल में हमने देखा था कि दो ऑर्बिटल जो हैं वो एक्सिस पे होते हैं, वो डायरेक्टली लिगेंड के सामने होते हैं, तो वो जो हैं ज्यादा रिपल्शन को फील करते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल में कोई भी ऑर्बिटल लिगेंड के सामने नहीं होता डायरेक्टली, इसलिए इनमें जो रिपल्शन है वो बहुत ही कम होता है, और रिपल्शन कम होने के कारण स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो ऑक्टाहेड्रल की तुलना में कम होती है। तो यही कारण है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में से दो लिगेंड को हटाने पर बनता है। यहाँ पे देखिए डायग्राम से हम देख सकते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें छह लिगेंड है, और जब इसमें से हमने दो लिगेंड ये वाला और ये वाला लिगेंड रिमूव कर दिया तो हमारे पास चार लिगेंड बच गए, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हमारे पास में आ गई। अब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में होता क्या है कि जब हमने जेड एक्सिस से लिगेंड को हटाया तो जो जेड एक्सिस के ऊपर जो ऑर्बिटल हैं या जेड एक्सिस के पास में जो ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए डी जेड स्क्वायर, ये जेड एक्सिस पे है तो इसकी एनर्जी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की तुलना में कम हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लिगेंड नहीं है जेड एक्सिस पे, तो इसमें जो रिपल्शन है वो कम होगा, और कम होगा तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। अब हम डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की बात करते हैं, तो इसमें जो एक्स जेड और वाई जेड है तो ये जेड एक्सिस के पास में होते हैं तो इनकी एनर्जी कम हो गई, और एक्स वाई जो है उसका जेड एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, वो एक्स और वाई के बीच में होता है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि ये ज्यादा रिपल्शन फील करेगा। तो ये है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। चलिए अब आते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी। ये क्या होती है पहले देखते हैं। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर क्रिस्टल फील्ड एंड डेट फॉर इलेक्ट्रॉन इन हाइपोथेटिकल स्फेरिकल और यूनिफॉर्म फील्ड लेवल इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है एक तो क्रिस्टल फील्ड क्षेत्र में और एक हाइपोथेटिकल स्फेरिकल में, उनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसे हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी या CFSE के नाम से जानते हैं। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G और EG, EG के और T2G के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसे हम डेल्टा O से, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है इसलिए हम डेल्टा O से डिनोट करते हैं। अगर यहाँ हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो डेल्टा T से डिनोट करते हैं। अब T2G ऑर्बिटल क्या है ये हमने पहले देख लिए थे, और ये लोअर एनर्जी के होते हैं, और EG ऑर्बिटल है ये भी हमने देख लिए थे और ये हायर एनर्जी के होते हैं, ये सब चीजें हम पहले वाली स्लाइड में देख चुके हैं। CFSE की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अलग फॉर्मूला है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अलग फॉर्मूला है। तो सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए देखते हैं, ये -0.4N T2G डेल्टा O प्लस 0.6N Eg डेल्टा O। यहाँ पर जो N है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसमें, Eg में, और यहाँ N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है T2G में। टेट्राहेड्रल में प्लस 0.4N T2G डेल्टा O माइनस 0.6N Eg डेल्टा O। तो ये इसका कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक बात यह इम्पॉर्टेंट है कि D0, D10, D8 और D9 इनकी जो CFSE होती है वो CFSE जो होती है वो सेम होती है, चाहे लिगेंड वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। D फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का प्लस 2 स्टेट में। तो यहाँ पर देखिए D4 दो तरह से अरेंज हो सकते हैं, अगर वीक लिगेंड है तो ये चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड ही रहेंगे, तो तीन जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले लोअर एनर्जी स्टेट में रहेंगे और फिर जो एक इलेक्ट्रॉन है वह हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। मतलब यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा है। तो इस तरह से ये 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन तो किस में हो गए हमारे T2G में, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ लिख दिए इनटू इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 0.4 से, ठीक है। उसके बाद माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, या 1 जो है ये एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये है हमारा
ईजी में, तो इसको 0.6 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए सीएफएससी का मान आ गया 0.6। इसी तरह से अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी, और पेयरिंग हो जाएगी इसका मतलब ईजी के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन टी टू जी में रहेंगे, तो टी टू जी में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 4, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 से, तो ये जो सीएफएससी की वैल्यू आएगी वो 1.6 आ जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए या किसी भी कंपाउंड के लिए सीएफएससी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए सीएफएससी की वैल्यू दी हुई है, और इसमें लो स्पिन और हाई स्पिन दोनों कॉम्प्लेक्स के लिए सीएफएससी की वैल्यू है। यहाँ पर D1 से लेकर के और D10 तक, यानी कि D में एक इलेक्ट्रॉन से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन तक जब भरे जाएंगे, तो उसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में सीएफएससी की वैल्यू क्या होगी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में सीएफएससी की वैल्यू क्या होगी, ये सब इसके अंदर दिया हुआ है। जैसा कि अभी हमने निकाला था D4 के लिए, तो इसके लिए सीएफएससी की वैल्यू -1.6 आई थी, और लो स्पिन के लिए है ना, और हाई स्पिन के लिए सीएफएससी की वैल्यू आई थी -0.6। इसी तरह से आप D5 के लिए निकाल सकते हैं, D6 के लिए निकाल सकते हैं, लो स्पिन और हाई स्पिन दोनों के लिए। ये सीएफएससी की वैल्यू है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए सीएफएससी की वैल्यू -0.6 डेल्टा टी होगी, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो -0.6 डेल्टा टी होगी, दोनों सेम है। इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, इस तरह से सारे इलेक्ट्रॉन के लिए सीएफएससी की वैल्यू इस टेबल में दी गई है, और इसको आप फॉर्मूले में फिट करके भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि सीएफएससी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी तो सीएफएससी का मान भी ज्यादा होगा, डेल्टा जीरो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने पर मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और क्योंकि लिगेंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ेगा, तो लिगेंड और मेटल के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जो लिगेंड है वो मेटल के ज्यादा नजदीक चला जाएगा। तो अब क्या होगा, मेटल के जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो और लिगेंड दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, और रिपल्शन ज्यादा होगा इट मीन्स सीएफएससी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। यहाँ पे हम टेबल से भी देख सकते हैं कि ये जो क्रोमियम का कंपाउंड है, और ये देखिए ये क्रोमियम का कंपाउंड है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी सीएफएससी की वैल्यू का मान ज्यादा है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि सीएफएससी की वैल्यू का मान ज्यादा होगा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा होगी तो। दूसरा फैक्टर है इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के सीएफएससी का मान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे देखिए डेल्टा ओ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो सीएफएससी का मान कम होगा, है ना। यहाँ पे इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, ये देखिए एक एग्जाम्पल है, इसमें नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, तो यहाँ पे सीएफएससी का मान कितना है 9300 सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं डी ऑर्बिटल में 8, तो यहाँ पे बढ़ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सीएफएससी का मान कितना हो गया 8500 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि कम हो गया। ये कम क्यों हो जाता है, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं वो अपना शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं, और मेटल आयन जो है उसके पास में लिगेंड को आने से रोकते हैं, और इसी कारण से ये मान कम होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये भी सीएफएससी के वैल्यू को बहुत ही प्रभावित करता है। अगर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सीएफएससी की वैल्यू के, यहाँ देखिए डेल्टा जीरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इन एग्जांपल्स भी हम समझ सकते हैं, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है तो इसकी सीएफएससी की वैल्यू का मान भी कम है। इसी तरह से इसमें देखें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो सीएफएससी की वैल्यू का मान बढ़ गया,
और यहाँ पे और ज्यादा बढ़ गया, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे आने पर सीएफएससी की वैल्यू का मान बढ़ रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान भी बढ़ रहा है। सीएफएससी को प्रभावित करने वाला चौथा कारक है नेचर ऑफ लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है तो सीएफएससी की वैल्यू हाई होगी, और अगर वीक है तो वैल्यू लो होगी। तो यहाँ पे साइनाइड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसलिए इसकी सीएफएससी की वैल्यू ज्यादा है, और अमोनिया जो है वो वीक लिगेंड है। इस टेबल में भी हम देख सकते हैं कि आयरन का जो कॉम्प्लेक्स है इसमें वाटर और इसमें साइनाइड लिगेंड है, तो साइनाइड लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग है और वाटर जो है वो वीक है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ में सीएफएससी की वैल्यू ज्यादा है जबकि वाटर के साथ में कम है, क्योंकि ये एक वीक लिगेंड है। यहाँ पर जो लिगेंड की एक सीरीज दी गई है ये देखिए, इसमें ये जो प्रारंभिक लिगेंड है ये सब वीक लिगेंड है जो ब्लू से लिखे हुए हैं, और उसके बाद में ये जो लिगेंड है जो ग्रीन वाले हैं ये बॉर्डरलाइन लिगेंड है, और उसके बाद में ये रेड से लिखे हुए हैं ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो कि सीएफएससी की वैल्यू को प्रभावित करते हैं। पांचवा जो कारक है जो कि सीएफएससी को प्रभावित करता है वो है साइज ऑफ लिगेंड। ठीक है, अगर लिगेंड का साइज बढ़ता है तो सीएफएससी की वैल्यू भी बढ़ती है। वैल्यू ऑफ डेल्टा जीरो इंक्रीज विद इंक्रीज द साइज ऑफ लिगेंड। क्यों? क्योंकि इसमें पोलैरिटी इंक्रीज होती है, और ड्यू टू पोलैरिटी द अट्रैक्शन बिटवीन लिगेंड एंड मेटल आयन इंक्रीज। पोलैरिटी के कारण मेटल आयन लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो लिगेंड ज्यादा नजदीक चला जाएगा मेटल के, और फिर लिगेंड और मेटल के जो डी ऑर्बिटल है उनके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी बढ़ेगा, और इसी कारण डेल्टा जीरो या सीएफएससी का मान बढ़ता है। यहाँ पर देखिए साइज जो है वो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा है तो सीएफएससी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी।